दस मिनट पचास खबरें। दिल्ली में सियासी अटकलों के बीच आज राष्ट्रपति से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने का करेंगे विरोध। बीजेपी को उपराज्यपाल के न्योते का इंतजार। सूत्रों के मुताबिक जगदीश मुखी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी तय। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर नई कवायद। गुप्त मतदान से विधायक कर सकते हैं अपने नेता का चुनाव। दिल्ली के उपराज्यपाल को है गुप्त मतदान कराने का अधिकार। उपराज्यपाल विधानसभा को स्पीकर के माध्यम से सेक्शन 9 के अंतर्गत ये संदेश भेजते हैं कि सदन स्वयं अपने नेता का चुनाव करे और सीक्रेट बैलेट से करे। एक सीक्रेट बैलेट कर सकते हैं जिसमें एलजी हाउस बुला सकते हैं। हाउस बुला करके वो कह सकते हैं यू शुड चूज योर लीडर। बीजेपी के रुख पर आप नेता आशुतोष का तंज। बीजेपी का किया नामकरण। बीजेपी को बताया भगोड़ा जनता पार्टी। आशुतोष ने उपराज्यपाल पर भी उठाए सवाल। कहा देश में जनतंत्र है, एमएलए तंत्र नहीं। उपराज्यपाल ने शायद नहीं पढ़ा संविधान। आरएसएस की पत्रिकाओं में लव जिहाद को बनाया कवर स्टोरी। ऑर्गेनाइजर और पांच जने ने लव जिहाद पर छापी स्टोरी। ऑर्गेनाइजर ने कवर पर छापी रांची लव जिहाद केस की पीड़ित तारा शाहदेव की पिक्चर। पांच जने ने दिया प्यार अंधा या धंधा शीर्षक। दोनों पत्रिकाओं ने हिंदू युवतियों के जबरन धर्म परिवर्तन पर उठाए सवाल। लव एवर लव जिहाद नेवर का दिया नारा। कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे करने गृहमंत्री राजनाथ सिंह रवाना। पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी साथ। कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से भारी बर्बादी। अब तक 88 लोगों की मौत। पुराने जम्मू और नए जम्मू के बीच संचार सेवा ठप। कठुआ में 30 घंटे की लगातार बारिश से उफान पर नदियां। कटरा रेल लिंक पर 2 फीट पानी। रेल लिंक किया गया बंद। मौसम खराब होने की वजह से आज भी नहीं होगी वैष्णो देवी यात्रा। 2 दिनों से बंद है यात्रा। ट्रैक से पहाड़ से किसी किस्म का कोई पत्थर आए या मलबा आए उससे उनको इंजरी हो उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने ये यात्रा को। मोदी ने किया अगले 10 साल तक पीएम बने रहने का दावा। शिक्षक दिवस पर छात्रों से संवाद के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा 2024 के चुनाव की करो तैयारी। 2024 के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। मोदी ने बच्चों को दी सीख। कहा जीवन में खेलकूद नहीं तो जीवन खेलता नहीं। श्रम के साथ पसीना बहाने की दी नसीहत। मोदी ने बताई बचपन की शरारत। कहा शादी में शहनाई बजाने वालों को दिखाता था इमली। आसपास खड़े लोगों के कपड़े करता था स्टेपल। वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? शादी आता है ना? तो बजा नहीं पाता था। एक छात्रा ने पीएम से किया सवाल। पूछा अपने सहयोगियों से बतौर हेडमास्टर कैसे पेश आते हैं पीएम। मोदी बोले मैं हेडमास्टर नहीं टास्क मास्टर हूं।
देखिए मैं टास्क मास्टर तो हूँ, मैं काम खुद भी बहुत करता हूँ और काम खूब लेता भी, और समय पे काम हो इसका आग्रही भी। गूगल पर उपलब्ध सामग्री पर बोले मोदी, कहा गूगल गुरु से जानकारी मिलती है लेकिन ज्ञान नहीं। बच्चों ने पीएम मोदी से किए सवाल, एक बच्चे के सवाल पर बोले मोदी, पीएम बनने के बाद अब बोलना पड़ता है संभल कर। राज्य में थे तो एकाध शब्द इधर उधर हो जाए तो बड़ा टेंशन नहीं रहता था, यहाँ रहता है कि कहीं देश का नुकसान न हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि देश का नुकसान न हो जाए, तो थोड़ा ज्यादा ही कॉन्शियस रहना पड़ता है। देवरिया के स्कूल में पीएम का भाषण शुरू होने से पहले हादसा, छात्र की मौत। पिलर के सहारे स्कूल की छत से उतर रहा था चौथी कक्षा का छात्र, पिलर टूटने से हुआ हादसा। स्कूल पर अच्छा गिर गया है, मौत हो गई बच्चे के। शिक्षक दिवस पर हाथरस में भी हादसा, सासनी के इंटर कन्या विद्यालय में रेलिंग टूटने से 3 छात्रा घायल। आज मोदी का वो जो संवाद आने वाले थे, इसकी वजह से, धूप की वजह से चांदनी लगवा दी गई थी, तो हमारे बाउंड्री में जो ग्रिल है उससे बंधवा दिया था चारों कोने में। एक सेकंड का एक झोंका आया आंधी का, जिसकी वजह से चांदनी वो भी लेके गिर गई। शिक्षक दिवस पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हुए छात्रों से मुखातिब, राहुल ने अमेठी के एक कॉलेज में की चर्चा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा करार, पीएम टोनी अबॉट ने किए समझौते पर दस्तखत, मोदी ने समझौते को सराहा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने मोदी को सौंपी भारत की ऐतिहासिक मूर्तियां, तमिलनाडु से चोरी हुई 2 मूर्तियां ऑस्ट्रेलिया के आर्ट गैलरी तक पहुंची थी। कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर बसाने के लिए मोदी सरकार का एक्शन प्लान, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला को जमीन तलाशने को कहा। राजनाथ के सुझाव पर उमर अब्दुल्ला का बयान, बाढ़ का दिया हवाला, कहा अभी अनुकूल नहीं है विस्थापितों का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे आधार कार्ड कार्यक्रम की समीक्षा, सचिवों की बुलाई बैठक। नोएडा में एसपी की विधानसभा प्रत्याशी काजल शर्मा की सभा में लगे ठुमके, उपचुनाव के प्रचार के दौरान मंच पर डांस नाची डांसर। अखिलेश सरकार के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह और समाजवादी पार्टी के नोएडा प्रभारी नारद राय ने भी लिया ठुमकों का लुत्फ। शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली के उत्तम नगर में पार्षद नरेश बलियान और बीजेपी विधायक पवन शर्मा ने शराब दुकान पर लगाया ताला, लोगों ने दिया साथ। उत्तम नगर में लड़कियों के स्कूल के पास हाल ही में खुली है शराब की दुकान, ताला जड़ने से पहले पार्षद और समर्थकों ने रास्ता जाम किया। बाउंड्री के अंदर शराब का ठेका खुल गया है, तो जिन लोगों ने इसकी परमिशन दी है उनके खिलाफ FIR हो और इसकी जांच हो और ठेका तुरंत प्रभाव से बंद हो। अगर US ओपन में सानिया मिर्जा ने लहराया परचम, मिक्स डबल्स में जीता खिताब, फाइनल में सानिया और ब्राजील के ब्रूनो सोरेस की जोड़ी ने टॉप सीड एबिगेल स्पियर्स और सेंटियागो गोंजालेस की जोड़ी को हराया। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने से चूकी टीम इंडिया, लीड्स में मिली 41 रनों की हार, लीड्स में इंग्लैंड ने दिया था 295 रनों का लक्ष्य। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने खेली अपने वनडे करियर की सबसे बेहतरीन पारी, 68 गेंदों पर बनाए 87 रन। इंग्लैंड के जो रूट को चुना गया मैन ऑफ द मैच, रूट ने 108 गेंदों पर बनाए 113 रन।
सुरेश रैना को मिला मैन ऑफ द सीरीज का खिताब। रैना ने चार मैचों में बनाए 160 रन, चार विकेट भी लिए। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन लड़ सकती हैं राष्ट्रपति चुनाव, कहा 2015 के शुरू में लूंगी इस पर फैसला। बाढ़ से पाकिस्तान में अब तक 73 लोगों की मौत, अकेले पाकिस्तान के पंजाब सूबे में 43 लोग मरे। लगातार हो रही बारिश से राहत कार्य में भी आ रही है परेशानी। इंटरनेट पर छाया रूस के एक रोड रेज की घटना, अब तक 6 करोड़ लोग देख चुके हैं मारपीट का यह वीडियो। डैशबोर्ड कैमरे पर कैद हुई मारपीट की घटना, छोटी सी भिड़ंत पर कार्टून कैरेक्टर के वेश में उतरे लोगों ने की जमकर धुनाई। रॉक लेजेंड गुस्तावो सेरेटी को हजारों मायूस प्रशंसकों ने दी आखिरी विदाई, 4 साल से कोमा में रहने के बाद हुई मौत।